हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। मैं हूं अंकित और एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके मैं आपके सामने आ चुका हूं। आज की वीडियो में हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे NFTs के बारे में और मेटावर्स के बारे में, और हम जानेंगे कि क्यों ये दुनिया पागल हो रही है NFT के लिए। तो दोस्तों, वैसे तो इतने 10-15 मिनट के वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल अगर विस्तार से समझाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा। 10-15 मिनट के वीडियो में ये कवर नहीं होता, बट मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको कम से कम आसान शब्दों में पूरा क्लियर कर सकूं कि NFT क्या है और मेटावर्स में ये क्या यूज होगा और कैसे यूज होगा। तो बिना कोई टाइम वेस्ट के चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है कि मेटावर्स क्या है। क्या ये मार्वल वाला मेटावर्स है जहां पे हमें डॉक्टर स्ट्रेंज गोला बनाते दिखेंगे? बेसिकली मेटावर्स क्या है, ये एक डिजिटल वर्चुअल वर्ल्ड है जहां पे लोग इंटरेक्ट करते हैं 3D अवतार्स के रूप में, और वहां पे जो NFTs है, NFT बेसिकली डिजिटल एसेट है जिसको वहां पे यूज किया जाता है। तो ये तो एक ओवरव्यू हो गया कि NFT क्या है, मेटावर्स क्या है। ये वीडियो NFT के बारे में, मेटावर्स के लिए हम फिर से एक अलग वीडियो सेपरेट बनाएंगे। तो दोस्तों, NFT क्या है? NFT को अगर आप बोले तो ये कहलाई जाती है नॉन फंजिबल टोकन्स। ठीक है, इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए लेट्स रिप्लेस फंजिबल विद रिप्लेसेबल। जब हमने इसको रिप्लेस कर दिया है तो अब ये आसानी से हमें समझ में आ जाएगा। जो IT से नहीं जुड़े हैं उनको भी इजीली अंडरस्टैंडिंग आएगी इसकी। तो देखिए, रिप्लेसेबल टोकन्स क्या होते हैं? रिप्लेसेबल टोकन समझ लीजिए कि मैंने अगर आपको 1 रुपए दिया तो आप भी मुझे उसके बदले में 1 रुपए ही देंगे। आप मुझे 100 का नोट तो पकड़ाएंगे नहीं। अगर आप पकड़ा रहे हैं मुझे 100 का नोट, तो आपका एड्रेस आप कमेंट में लिख दीजिए, मैं आपको 1 रुपए दे देता हूँ आगे। नॉन फंजिबल टोकन जो होते हैं, नॉन रिप्लेसेबल, तो इसमें क्या होता है कि ये डिजिटल वर्ल्ड में हम डिजिटल एसेट अपना क्रिएट करते हैं जिसको हम वहां पे सेल भी कर सकते हैं और जहां पे हम परचेज भी कर सकते हैं। और इसको सेल परचेज करने का जो रहता है ये क्रिप्टो करेंसीज के थ्रू होता है। अभी जो मेजरली जो क्रिप्टो करेंसीज में यूज हो रही है वो इथेरियम है, और बेसिकली देखा जाए तो NFT कनेक्टेड टू ब्लॉकचेन, तो ये सिक्योर भी है काफी हद तक। और ये आजकल इसलिए भी क्रेज इसका चला हुआ है क्योंकि एक तो वो होती है ना, भेड़ चाल कहते हैं जैसे, कि हाँ इसके पास है कुछ ऐसा NFT कि जिसको नहीं भी पता वो भी ले रहा है NFT। वो इसलिए रहा है कि भाई मेरे दोस्त ने इसमें इन्वेस्ट किया तो चलो मैं भी इन्वेस्ट करके देख लेता हूँ। तो खैर, हल्का फुल्का इन्वेस्टमेंट के लिए दिस इज ओके। तो दोस्तों, अब हम ये जानेंगे, पहले हम बात करते हैं हाउ टू क्रिएट NFTs। देखिए, NFT क्या होता है बेसिकली, जैसे मैंने बताया आपको कि ये डिजिटल आर्ट है। तो डिजिटल आर्ट है तो भाई डिजिटल आर्ट कहाँ पे है, कैसे बनेगा, ये हम मैं आपको समझाता हूँ। देखो, सिंपल सी चीज है, कोई भी ऐसी चीज जिसको आप डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके मेटावर्स में यूज करते हैं एज अ टोकन, वो आपका नॉन फंजिबल टोकन है, वो है NFT। ठीक है, और डिजिटल आर्ट में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आपकी फोटो हो सकती है, कोई म्यूजिक हो सकता है, कोई भी ऐसा आर्ट आपके पास हो जिसको आपने डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके यूज किया है, सेल किया, दैट इज NFT। ठीक है, तो ये तो हो गई NFT के बारे में बात। अब हम डिस्कस करते हैं कि हाउ टू सेल NFTs एंड हाउ टू वैल्यू NFTs। ठीक है, तो देखिए, NFT सेल करने के लिए इट इज मैंडेटरी कि आपके पास एक वॉलेट हो क्रिप्टो करेंसी का। अब इसके लिए वेरियस वेबसाइट्स हैं, मैं लिंक में भी दे दूंगा जहां पे आप यूज कर सकते। तो बेसिकली आपके पास क्रिप्टो करेंसी का वॉलेट होना चाहिए जहां पे आपके पास एक अमाउंट होगा। मेजरली जो अभी चल रहा है वो इथेरियम चल रहा है, पॉलीगॉन भी लोग यूज करते जो कि क्रिप्टो करेंसी का टाइप ही है। तो आप इथेरियम यूज करें तो ज्यादा बेटर है क्योंकि मोस्टली अभी यही चल रहा है। ठीक है फ्रेंड, तो इसमें क्या होगा कि आपको एक वेबसाइट, इनकी अलग अलग वेबसाइट है जिसे मार्केट प्लेस भी आप कह सकते हैं, जहां पे सामान बेचा जाता है बेसिकली। तो वहां पे जाके आपको अपना आर्ट जो है वो मिंट करना है। मिंट क्या होता है? मिंट मतलब आपका जो आर्ट है उसको आप डिजिटल फॉर्मेट में जो कन्वर्ट करेंगे उसे मिंटिंग कहा जाता है। तो जब आप मिंटिंग करेंगे तो मिंटिंग करने के बाद क्या होता है कि जो आपका आर्ट रहता है वो आर्ट बन जाता है डिजिटल आर्ट। लेट सपोज आपकी एक फोटो है, फोटो को आपने तो खींच लिया कैमरे से, अब उसको आपको मेटावर्स में यूज करना है, NFT बनाना है उसको। तो आप इन वेबसाइट्स पे जाएंगे, वहां पे आप इसको अपलोड करेंगे, ये मिंट होगा। दैट डिपेंड्स अपॉन योर हार्डवेयर, आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर पे कि कितना टाइम लेता है। और ये मिंट होने के बाद ये NFT के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा जिसको कि आप वहां पे सेल कर सकते हैं। अब दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कि NFT को हम सेल तो कर लेंगे मगर इसकी प्राइस वैल्यू हम कैसे डिसाइड करेंगे, या हम इसे बेचे कैसे में कि हमें फायदा हो। तो देखिए, NFT की प्राइस वैल्यू बहुत सिंपल है उसे अंडरस्टैंड करना।
इट इज सिंपली समथिंग विच इज यूनिक, ठीक है। तो अगर आपकी एनएफटी यूनिक है, काफी रेयर है, तो उसका प्राइस अच्छा रहेगा। अगर आपके एनएफटीज के कॉपीज है बहुत सारे जो कि आप सेल करना चाहते हैं, हो सकता है कि आप अपनी फोटो की कॉपीज सेल करना चाहते हो, तो वो उतने कम दामों में जाएगा। जितने आप इसको ऐसा समझ लीजिए कि द नंबर ऑफ कॉपीज द लेस द कॉस्ट, ठीक है। जितना आपका कम उसकी कॉपीज रहेंगी उतना ज्यादा प्राइस में वो जाएगा। तो ये रेयरिटी स्कोर पे भी डिपेंड करता है आपके, कि आपके जो एनएफटी है उसका रेयरिटी स्कोर कितना है, ठीक है। अगर आपके उसकी बिल्कुल कॉपीज नहीं है, एकमात्र यूनिक सा प्रोडक्ट है वो, तो उसका प्राइस हाई रहेगा। तो अब अगर हम बात करें फ्रेंड्स, हमारा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्या एनएफटी में रिस्क है? देखिए, डिजिटल जो भी आप ट्रांजेक्शन करते हैं सब में रिस्क है। आज की डेट में आईटी वर्ल्ड इतना डेवलप हो चुका है, हैकर्स इतने एडवांस हो चुके हैं कि वो आपका वॉलेट एक्सेस कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉपर हैकर है तो वो आपका वॉलेट एक्सेस कर सकता है, हैकिंग कर सकता है। तो देखिए, रिस्क तो हर जगह है, और रिस्क अगर आप रियल वर्ल्ड में भी देखेंगे तो वहां भी स्कैमस्टर रहते हैं, फ्रॉडस्टर रहते हैं। तो रिस्क तो हर जगह है दोस्तों, थोड़ा हमें अलर्ट रहना पड़ेगा, थोड़ा अवेयर होना पड़ेगा आपको खुद भी। जब आप एनएफटी में इन्वेस्ट करना चाहें तो आपको खुद भी थोड़ा सा मार्केट समझना पड़ेगा, कैसे होता है, क्या होता है, और थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। एकदम से रातों रात तो दोस्त पैसे इसमें से नहीं मिले। और दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि क्या ये सही समय एनएफटी में इन्वेस्ट करने के लिए, या हम एनएफटी में इन्वेस्ट ना करें अभी? देखिए, एनएफटी में अगर आप बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल करेक्ट टाइम है आपका इस बिजनेस, इसमें एनएफटी में आने का, अपने एनएफटी सेल करने का। और अगर आप परचेस कर रहे हैं तो भी आप थोड़ा सा केयरफुल होके इसे परचेस करें, क्योंकि अभी ये एकदम बूम पे है, अभी स्टार्टिंग पे है। तो जितने इसमें ईमानदार लोग हैं उतने फ्रॉडस्टर भी हैं यहाँ पे। तो अगर जैसे आप कुछ इन्वेस्ट, मतलब आप कुछ परचेस करना चाह रहे हैं, तो आप ये ध्यान में रखें कि आप कुछ ऐसे अमाउंट का परचेस करें, ऐसे इतना क्रिप्टो यूज करें कि उससे रिकवर हो जाए अगर वो लॉस हो तो। आप तो इफ वी सी, अगर आप सेल कर रहे हैं तो सेलिंग के लिए दिस इज द बेस्ट टाइम। अगर आप परचेस कर रहे हैं तो यू शुड बी केयरफुल, और थोड़ा केयरफुली इसको परचेस करें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। कोई आपको अगर कुछ इसमें अभी भी एनएफटी से रिलेटेड डाउट है तो आप कमेंट में लिखिए। मैं जानता हूं कि 10 मिनट की वीडियो में तो एनएफटी के बारे में सब कुछ मैं आपको इसमें नहीं बता सकता, तो इसलिए कुछ भी कमेंट हो, तो आपको कुछ भी रिक्वायरमेंट हो या कुछ भी ऐसा लगता हो कि जानना चाहिए, तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो दोस्तों, दैट बीइंग सेड, कीप लविंग, कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइब।